तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए आज के वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। और देखिए मैंने डिजाइन डालने के लिए ये मैंने डोरी बनाई है, और देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, लाइनिंग भी कट कर लिया है। और आपको साइज बता देती हूँ, देखिए ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, मैंने 10 इंच लिया है, लंबाई इसकी 14 इंच ली है, शोल्डर इसके 5.5 इंच लिए हैं और मुड्डे 6 इंच लिए हैं। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, कोई भी साइज में ये डिजाइन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिजाइन जो है लाइनिंग पर कट कर लेती हूँ, ब्लाउज साइड में रख देती हूँ, शोल्डर से 2.5 इंच डीप आप अपने साइज के अनुसार रख सकते हैं। मैंने 10 इंच लिया है, तैयार में 9.5 इंच आएगा। तो देखिए शोल्डर्स मैंने 2.5 इंच में इस तरह से बॉक्स बनाया, लेकिन नीचे मैं ब्रॉड रखूंगी। तो देखिए इस तरह से आएगा, सेम रो पर कट कर लेते हैं। तो देखिए नेक कट कर दिया है, और इसी ड्राफ्ट को रोक के मैं कैनवास कट कर लूंगी। नेक पट्टी नहीं लगे, डायरेक्ट कैनवास लगा के पलट देंगे इसको। तो देखिए इसी ड्राफ्ट को रख के मैंने, ये भी हमारा बचा हुआ टुकड़ा है कैनवास का, और इस तरह से मैंने रख लिया है। और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच के आसपास ले लेंगे। तो देखिए मैंने इसको, ये कैनवास को कट कर दिया। अभी जो यहाँ पे डिजाइन डालने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे पीस कट कर रहा हूँ। तो देखिए जो कट करना है 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं सेंटर पार्ट में, और स्ट्रेट इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, और सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ कट हो गया है, यहाँ पे मैं नीचे पैच आएगा हमारे सेम ब्लाउज कलर का, और उसके बाद हम ये डोरी लगाएंगे, डोरी लगा के इसको डिजाइनर बनाएंगे। तो डोरी आपको कितनी चौड़ी लेनी है वो आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये 1.5 इंच कट किया है, तो हम इसमें डोरी 2.5 इंच की कट करेंगे। 3 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि सिलाई मार्जिन भी चाहिए, तो 3 इंच में हम ये डोरियाँ कट कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर जितनी हमारी डोरियाँ आ सकेंगी, जैसे 4-5 वन साइड में और 4-5 वन साइड में, टोटल 10 पीस हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने ये ब्लाउज का ही एक पीस कट कर लिया है, जो कि हम इसको लाइनिंग के साथ में सेट कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने ये डोरी कट की है इन डोरियों को डिजाइन करके तैयार करेंगे। नीचे मैं सिलने का तरीका बता रही हूँ। नीचे मैंने ये ब्लाउज रख लिया है, उसके ऊपर लाइनिंग रख लिया है, और देखिए जो कैनवास हमने कट किया है इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के पीस, और जो सेंटर पार्ट है इसको कट कर देंगे और फिर पलट के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया, उसके ऊपर लाइनिंग रख लिया, और देखिए कैनवास रख के मैंने यहाँ तक स्टिच कर दिया है दोनों साइड के पीस। अभी हम नेक को कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने कट कर दिया, अभी हम इसको पलट के इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए मैंने पलट दिया, अभी हम यहाँ किनारे पे चारों तरफ स्टिच डालते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, अभी हम इनको साइड में रख देते हैं। और देखिए जो पैच के लिए हमने कपड़ा लिया था, मैंने इस तरह से इसको सिल के और पलट दिया है, तो यहाँ किनारे की फिनिशिंग आ गई है। और देखिए जो मैंने डोरी कट कर ली है, ये मैंने 6 डोरी कट की हैं। तो अभी हम डोरियों को सेट करते हैं। तो डोरियों को देखिए कुछ हम इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर, तो इस कोने पर सिलाई डाल लेते हैं। तो देखिए हमें 1/2 इंच का गैप दे देना है। तो सेम हम यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई डाल देंगे। देखिए हमने ये स्टिच कर दिया, और देखिए अभी ब्लाउज में हम यहाँ पर इस तरह से इसको पैच को अटैच कर देंगे, और सेम दूसरी साइड में भी इसी तरह से। और उसके बाद हमने ये डोरी ली है, इसको लगा के इसको पूरा कमर तक स्टिच कर देंगे। नीचे जैसे नॉर्मल फिनिशिंग देते वैसे फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए ये हमने पैच इस तरह से अटैच कर दिया है, और अभी नीचे कमर की फिनिशिंग दे देते हैं, और उसके बाद जो मैंने ये डोरी बताई है इस तरह से नेक से लेके पूरा कमर तक स्टिच कर देंगे।
तो देखिए हमने ये डिजाइन सेट कर दी है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बॉर्डर भी लगा दिया दोनों साइडों में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।